जय हिंद, फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक छोटी सी कंपनी महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटी सी कंपनी के बारे में समय समय पर इस चैनल पर बात होती रहती है। अभी कुछ लोगों का सवाल था इसके ऊपर वीडियो लेकर आने के लिए, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, समझेंगे कंपनी कैसे और इसमें इन्वेस्टमेंट की रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी देखेंगे, शुरुआत शुरू से करते हैं। तकरीबन 1.11 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ और एक दिन में आप देख सकते हैं 2.5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। मतलब एक बात स्पष्ट है कि अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। पिछले 5 दिनों की यानी कि एक सप्ताह की बात कर लें तो एक सप्ताह में कुछ खास मोमेंट आपको होते हुए नहीं दिखेगा, फिर भी एक सप्ताह में आपको गिरावट सेम देखने को मिलेगा। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में स्टॉक तकरीबन 8.5% के आसपास टूटा है और पर्टिकुलर इस लेवल के पास जून के बाद देखेंगे, 22 जून के बाद तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 मंथ में देखेंगे, 6 मंथ में तकरीबन 50% के आसपास स्टॉक आपको टूटते हुए दिखेगा। एक छोटी सी कंपनी, छोटी कंपनियों में जब टूटता है प्राइस तो ऐसे ही लगता है, डाउन ट्रेंड इसमें बनते रहता है। देखेंगे अभी डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। अब यहाँ पर लोग महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपने कंपनी के काम फंडामेंटल और फिर चार्ट को समझेंगे। अभी सबसे पहले यदि कंपनी के काम की बात करें तो कंपनी एक इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में, यानी कंपनी ट्रेडिंग भी करती है। फाइनेंस सेक्टर में समझ सकते हैं कंपनी काम करती है। फाइनेंस सेक्टर में कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, लोगों के पैसों को मैनेज करती है, साथ में ट्रेड करके भी डेली बेसिस पर पैसा कमाती है और ट्रेडिंग करती है। साथ में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में भी कंपनी कुछ काम कारोबार करती हुई नजर आ रही है। कंपनी के काम धाम तो काफ़ी ठीक है, इस काम धाम को बदलकर कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो देखेंगे तकरीबन 15 करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट कैप, यानी कि बहुत छोटी सी कंपनी है। और इस छोटी सी कंपनी का आप स्टॉक का पी देखेंगे तो 20 के आसपास है, जो कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी महंगा दिख रही है। शेयर प्राइस देखेंगे तो कंपनी के बुक वैल्यू से अधिक है, ये अच्छी बात है। सबसे कमाल की बात है कि कंपनी का आरओई और आरओसी देखेंगे दोनों पॉजिटिव में है। माइनस में सामान्यतः जो पीने स्टॉक होते हैं उनका आरओई और आरओसी दोनों माइनस में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 4% के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में आपको अच्छा 4% से कम मतलब रिटर्न कमा के नहीं दे। अब यहाँ पर हम लोग चार्ट पर कुछ समझते हैं। सबसे पहले 1 साल का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, 1 साल के चार्ट पर बात को समझते हैं और उसके बाद जरूरत पड़ी तो फिर लंबी अवधि का चार्ट ओपन करेंगे। 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस अभी आपको डाउन ट्रेंड में चलते हुए दिखाई देगा। ये देखिए, इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, देख रहे हैं यहाँ पे। और इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी देखेंगे तो 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये इसी के बीच में, अभी फरवरी 2023 से देखें तो इसी के बीच में आपको चलते हुए दिख रहा है। सवाल है कि इस रेंज बाउंड से स्टॉक बाहर कब निकलेगा। तो देखिए अभी क्या है कि जून क्वार्टर का रिजल्ट, जो यानी कि अब क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट आने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है इस कंपनी के ये जो कॉन्सोलिडेशन फेज जो अभी घूम रहा है 1 से 1.5 रुपये के बीच में, इससे ऊपर निकलेगा नहीं। और सवाल है कि ऊपर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। देखिए मेरा मानना है कि प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ऑलरेडी इस कंपनी का सपोर्ट है, काफ़ी मल्टीपल बार यहाँ पर सपोर्ट ले हुआ है। आप देखेंगे अगस्त 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसी सपोर्ट लाइन के पास स्टॉक का प्राइस घूम रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पर आकर सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेकर फिर प्राइस ऊपर की तरफ उठेगा। तो ईजिली आपको यह प्राइस कम से कम 1.5 रुपये से ऊपर निकलेगा तो सीधे 2 रुपये तक आपको जाते हुए दिखेगा। तो जो लोग इसके बीच में फंसे हुए होंगे यहाँ पर निकल जाएंगे, बाकी जो लोग नया एंट्री बनाना चाहते हैं जो प्राइस 1.5 रुपये से ऊपर निकल रहा होगा वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। ये होगा टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए इसके थोड़ा सा हम क्वार्टरली रिजल्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो कंपनी के जो मार्च क्वार्टर रिजल्ट आए हैं इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे तो आपको अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखा है। पिछले क्वार्टर मुकाबले 50 लाख का सेल्स हुआ था, जहां क्वार्टर फोर में कंपनी का 62 लाख का सेल्स हुआ था, वहीं पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी का कुछ सेल्स ही नहीं हुआ था। यानी कि ओवरऑल बात करें तो कंपनी में अब मूवमेंट आना शुरू हो गया है। वहीं पर यदि इस कंपनी के सेल्स की बात करें, कंपनी की कमाई कितनी हुई है, तो नेट प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो ये रहा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे कंपनी मार्च क्वार्टर में 47 लाख का प्रॉफिट पाई है। हालांकि पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा ये प्रॉफिट ज़्यादा था, लेकिन उसके पहले देखेंगे तो सिर्फ माइनस में कंपनी चल रहा था। ओवरऑल कंपनी ग्रो करते हुए नजर आ रही है। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन एक छोटी सी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना रहे हैं, तो सोच समझ कर बनाएंगे कि ये फायदेमंद का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन जो भी कीजिएगा अपने सोच विचार और अपने नॉलेज की बदौलत कीजिएगा, मेरे कहने पर कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लॉस और हानि की गारंटी नहीं लेता। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।